अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स हम कर रहे हैं, जिसमें आज का जो लेक्चर होगा वो फोर्थ चैप्टर ऑफ एडमन एंड बर्नानकी की बुक जो है उसका होगा। ठीक है, फोर्थ चैप्टर बेसिकली कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, जिसका पार्ट वन आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सेविंग का। ठीक है, अब जो बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट या बीइंग एन इंडिविजुअल, हर जब भी किसी इंडिविजुअल से पूछा जाए कि सेविंग क्या होती है, तो वो कहेगा कि जो मेरी इनकम है उसमें से अगर मैं कंजप्शन निकाल दूं, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो प्रोपोर्शन निकाल दूं इनकम का, तो जो रिमेनिंग मेरे पास रह जाती है वो सेविंग होती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सेविंग इज इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, जो भी हम कमा रहे हैं, जो हमारी इनकम है ओवरऑल जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसमें से जितने हम एक्सपेंडिचर्स अपने निकालते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर सारे करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट हमारे पास इन हैंड रह जाती है वो हमारी सेविंग होती है। अब कंजप्शन करते हुए जब भी जो इंडिविजुअल है, रैशनल इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो एक पैटर्न को बेसिकली फॉलो करता है। ठीक है, कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन करते हुए किसी भी पैटर्न को फॉलो करता है, और वो क्या करता है कि ट्रेड ऑफ करता है बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, कंजप्शन के पैटर्न को फॉलो करने के लिए अपनी प्रेजेंट लाइफ में और जो फ्यूचर लाइफ है उन दोनों के अंदर ट्रेड ऑफ करेगा। ठीक है, यानी कुछ जो इनकम है उसको डिवाइड करेगा कंजप्शन में और सेविंग में। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो फ्यूचर को भी फोरसी कर रहे होते हैं, तो हमें जो है इस चीज का खतरा होता है कि फ्यूचर में कोई ऐसे मुश्किल हालात अगर आए तो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ इनकम इन हैंड होनी चाहिए, ताकि उस टाइम पे हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सो जो हमारी ओवरऑल इनकम होती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रैशनल तौर के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है उनके ऊपर, उनको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, हम उनको जो अपनी इनकम है ओवरऑल उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ हिस्से को करंट टाइम पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ हिस्से को हम फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम कहें कि एक पर्सन है उसके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपीज उसकी इनकम है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो उसको किस तरीके से खर्च कर सकता है। पॉसिबिलिटी पहली ये हो सकती है कि वो प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी कुछ भी उसमें से खर्च ना करें और फ्यूचर के लिए सब कुछ सेव कर ले। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, ये एक नेचुरल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको करंट टाइम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन करनी होती है। इसी तरह एक उसके पास चॉइस ये है कि अभी वो सब कुछ कंज्यूम कर ले, ठीक है, और फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव ना करे। तो सेम जो पिछला बिहेवियर था उसी की तरह ये भी एक एक्सट्रीम एंड बिहेवियर है, जो कि एक रैशनल बिहेवियर नहीं है कि हम अभी जो करंट लाइफ है उसके अंदर सब कुछ सेव कंज्यूम करें और फ्यूचर के लिए हम कुछ भी सेव ना करें। और एक रैशनल बिहेवियर, अगर हम एक स्मूथिंग पैटर्न को फॉलो करना है कोई भी कंज्यूमर, तो वो ये करेगा कि 50% ऑफ इनकम जो है वो अभी कंज्यूम कर लेगा और 50% ऑफ हिज इनकम जो है वो फ्यूचर के लिए सेव कर लेगा, ताकि उसके हार्ड टाइम्स में उसके काम आ सके वो इनकम। सो हमने पैटर्न देख लिया कि या तो वो सब कुछ अभी कंज्यूम कर लेगा, या फिर वो सब कुछ फ्यूचर में कंज्यूम कर लेगा, या फिर वो 50-50 कंज्यूम कर सकता है, या इन बिटवीन भी इसके जो है वो पैटर्न्स हो सकते हैं। 25 एंड 75 का भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 75% वो अभी कंज्यूम कर रहा हो, 25 वो फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हो, लेकिन ये एक रैशनल बिहेवियर्स हैं। हम जो भी जो कंज्यूमर है वो कभी भी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं जाता। ठीक है, जो फ्यूचर इनकम होती है वो उसमें इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि आज जो आपने सेव किया, ठीक है, उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो इन्वेस्ट करने से उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में मिल रहा है, तो आपकी फ्यूचर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही होती है करंट सेविंग से। अगर आज आपने सेव किया तो उससे आपकी फ्यूचर इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, थ्रू इंटरेस्ट रेट। अब रैशनल बिहेवियर जो है वो कंज्यूमर जो है वो रैशनल बिहेवियर को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और उसका हमेशा मोटिव ये होता है कि वो कंजप्शन स्मूथिंग बिहेवियर या कंजप्शन स्मूथिंग मोटिव जो है वो उसका होता है कि वो अपनी लाइफ जो है उसको एक स्मूथ पैटर्न के साथ गुजार सके। ठीक है, अच्छा, अब एक जो है सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि नेशनल सेविंग्स क्या होती है हमारी। ठीक है,
अब हमें पता है कि सेविंग बेसिकली ओवरऑल सेविंग हमने देख लिया कि इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दी जाए तो हमें सेविंग मिल जाती है, लेकिन क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो जो है वो एग्रीगेट की बात करता है, ओवरऑल इकोनॉमी को हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम नेशनल सेविंग का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, नेशनल सेविंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ओवरऑल इनकम होती है, यानी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से जितनी ओवरऑल कंजप्शन हो रही है उसको माइनस करते हैं, और साथ साथ इकोनॉमी जब ओवरऑल इकोनॉमी की बात, जब हमने इंडिविजुअल की बात की तो हमने उसमें गवर्नमेंट को ऐड नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, तो हम उसमें से जो ओवरऑल इनकम है उसमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है उनको भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमारा नेशनल सेविंग का होता है। सो वी कैन से दैट नेशनल सेविंग इज ओवरऑल आउटपुट माइनस कंजप्शन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये बेसिकली हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, इसलिए इसमें हम नेट फैक्टर पेमेंट्स और उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री की बात करें, इसलिए हम नेशनल सेविंग में सिर्फ आउटपुट माइनस कंजप्शन माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ही लेके चलेंगे। ठीक, अच्छा, अब नेशनल जो सेविंग है उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो नेशनल सेविंग का डिटर्मिनेंट होता है वो होता है करंट आउटपुट। ठीक है, करंट आउटपुट क्या है कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो एक ये नेचुरल बिहेवियर है कि हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप अगर इंडिविजुअल को फर्स्ट हम लेके चलें, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो जब भी किसी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो क्या होता है वो अपनी कंजप्शन को बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो अपनी कंजप्शन जितनी इनकम बढ़ी है वो सारी ही कंज्यूम कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो 50 रुपीज कमा रहा है पर मंथ, ठीक है, अब उसकी इनकम जो है वो 75 रुपीज हो गई है, ठीक है, 25 रुपीज का रेज आ गया, तो वो क्या करेगा कि अब वो अपनी जो कंजप्शन है उसको 60 पे ले आएगा और जो 15 रुपीज एक्स्ट्रा है उनको सेव करने लग जाएगा। ठीक है, सो जो भी जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है कंज्यूमर जो है वो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो सेव कर लेता है और कुछ अमाउंट जो है वो कंज्यूम कर लेता है। अब इनकम के इंक्रीज होने से जो कंजप्शन इंक्रीज होती है उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि हमें ये बताता है कि जब भी एक यूनिट इनकम का इंक्रीज होगा उससे आपकी कंजप्शन के ऊपर कितने परसेंटेज चेंज आएगा वो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। बेसिकली जो मार्जिनल की बात करते हैं तो हम नेट चेंज की बात करते हैं। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम। ठीक है, इसी तरह जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो जब कंजप्शन में चेंज आएगा तो सेविंग पैटर्न में भी चेंज आएगा, क्योंकि अब सेविंग भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, पहले अगर आप 50 में से 5 रुपीस जो है वो सेव कर रहे थे, अब आप 15 रुपीस सेव कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या हुआ कि आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो गई। अब सेविंग के इंक्रीज होने से जो इनकम के इंक्रीज होने से सेविंग के ऊपर इफेक्ट आया उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम। ठीक है, 1% चेंज इन इनकम होने से जो भी आपके सेविंग पैटर्न के ऊपर चेंज आ रहा है वो उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है हमारा नेशनल इनकम का वो है जी एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट। ठीक है, हम सब जो है वो ये चाह रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी मिले या हमारी फ्यूचर में इनकम ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, हम हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा ही होता है। सो जब भी फ्यूचर में हमारी इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आ रही होती है, यानी आउटपुट हमें बढ़ती हुई नजर आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं अपनी करंट कंजप्शन को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर मेरा जो है वो नेक्स्ट मंथ कोई भी प्राइस बॉन्ड निकल आएगा या मेरा बोनस लग जाएगा, ठीक है, या मेरी अच्छी जॉब जो है वो लग गई है, जो कि पहले मैं अगर जो है वो 10,000 की इनकम पे जॉब कर रही थी, लेकिन अब जो मुझे नई जॉब मिली है वो 20,000 पे है, ठीक है, या इससे भी ज्यादा पे है, तो मैं क्या करूंगी कि अभी करंट टाइम पीरियड में जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग है मैं उसको भी लगा लूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि फ्यूचर में या टुमारो मेरा जो इनकम लेवल होगा वो रेज होने वाला है।
ठीक है। इसी तरह अगर मुझे किसी भी इंडिविजुअल को नजर आ रहा हो कि उसको इनहेरिटेंस जो है वो उसमें वेल्थ मिलने वाली है, ठीक है, सो वो अपनी करंट कंजप्शन इंक्रीज कर देगा। सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटपुट जब भी आपकी इंक्रीज होती है तो हमारा जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट सम टाइम व्हेन एक्सपेक्टेड इनकम इंक्रीज करंट सेविंग डिक्रीज, ठीक है। हमने पढ़ा, हमने अभी देखा कि करंट सेविंग भी अक्सर लोग डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर इनकम जो है वो इंक्रीज होने वाली है, यानी कल मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो आज अगर जो मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी मैं अगर लगा दूं तो इससे जो है मेरे कंजप्शन पैटर्न पे ओवरऑल मेरी लाइफ के ऊपर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि कल जब मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं उसे दोबारा सेव कर सकता हूँ। सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम जब ज्यादा होती है तो कंजप्शन पैटर्न पे भी उसी तरीके से इम्पैक्ट आता है, कंजप्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है और सेविंग अक्सर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है जी वेल्थ, ठीक है। वेल्थ अगर इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली जब भी किसी इंसान के पास वेल्थ इंक्रीज होती है तो क्या होता है, उसका कंजप्शन पैटर्न चेंज हो जाता है। कंजप्शन पैटर्न कैसे चेंज होता है कि वो क्या करेगा कि सेम जो केस हमने पीछे पढ़ा कि जब आपके पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है और जो सेविंग आपके पास होती है वो अक्सर डिलीट हो जो डिक्रीज हो जाती है। सो क्या होता है कि वेल्थ के केस में भी यही होता है कि जब आपके पास कोई पेरेंट्स की साइड से इनहेरिटेंस आने लग गई है या आपके पास जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर था, अब उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो आप वेल्दियर होते हो रहे हैं, ठीक है। सो क्या है कि आप अभी जो कंजप्शन है अपना कंजप्शन पैटर्न को चेंज करेंगे और आपकी कंजप्शन जो करंट टाइम पीरियड की है वो इंक्रीज हो जाएगी और साथ साथ हो सकता है कि अभी जो आपकी सेविंग हो वो भी डिक्रीज कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है नेशनल इनकम का वो है, नेशनल सेविंग का वो है एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, अब रियल इंटरेस्ट रेट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है नेशनल सेविंग के ऊपर, ठीक। जब भी आपकी एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या कोई भी चेंज आता है इंक्रीज या डिक्रीज का, तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर जो किया था चैप्टर नंबर 3 उसमें भी हमने इसी तरह इनकम के इंक्रीज होने का जो दो इफेक्ट्स थे वो हमने देखे थे उसमें, जब हम लेबर मार्केट को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी हमने दो इम्पैक्ट्स पढ़े थे। हमने कहा कि जब भी इनकम उसमें कहा था हमने कि इनकम इंक्रीज होती है तो उसके दो इफेक्ट देखे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो हमारा रियल इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है, तो उसके भी दो इम्पैक्ट होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और एक इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है। सो दोनों को देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। हमने लास्ट केस में भी देखा था कि जब इनकम इंक्रीज हो रही थी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था, जब हम लेयर और उसमें देख रहे थे तो हम कह रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यह है कि वो अपनी वर्क आवर्स को बढ़ा देता है, ठीक है, जो लेबर होता है वो अपने वर्क आवर्स को बढ़ा देता है क्योंकि वो मजीद इनकम लेना चाह रहा है, इनकम इंक्रीज हुई है ना, ठीक है, सो वो मजीद इनकम लेना चाहता है। अब इस केस में क्या है कि रियल इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो कंज्यूमर है, जो पर्सन है, वो ज्यादा सेविंग की तरफ जाएगा क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि अब मुझे रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10% इंटरेस्ट रेट था, एकदम जो इंटरेस्ट रेट है वो 100% हो गया, ठीक है। सो अब उसको नजर आ रहा है कि मैं अगर सेव ज्यादा करूंगा तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, यानी मेरी फ्यूचर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा कि वो सेव ज्यादा करना शुरू कर देगा ताकि उसको मजीद इंटरेस्ट रेट मिल सके। इसके जो है कंपैरेटिवली अगर इनकम इफेक्ट देखा जाए तो हमने देखा था, जब हमने लेबर मार्केट का केस किया था उसमें हमने देखा था इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब भी इनकम इंक्रीज होती है किसी भी पर्सन की तो वो अपने आप को वेल्दियर फील करता है, ठीक है, और वेल्दियर फील करने की वजह से वो कहता है कि मैं अब कुछ टाइम जो है वो अपने लेयर पे दूंगा और कुछ टाइम जो है वो मैं वर्क आवर्स पे दूंगा, यानी अपने वो वर्किंग आवर्स जो है वो कम कर देता है और अपने लेयर्स को थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि अब वो वेल्दियर फील कर रहा है। इस केस के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट में हमने देखा कि इनकम इफेक्ट ये होता है कि जब आपका रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, उसको पता है कि मेरी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट से। सो अब वो क्या करेगा, कंजप्शन ज्यादा करना शुरू कर देगा। पहले वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि वो सेविंग ज्यादा करना लग गया, लेकिन इनकम इफेक्ट ये है कि वो
कंजप्शन ज्यादा करने लग गया है क्योंकि उसको पता है कि मेरी फ्यूचर इनकम ज्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट परचेजेस। हम क्लोज इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने देखा कि नेशनल सेविंग क्या होती है, ओवरऑल आउटपुट माइनस कंजप्शन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, यानी जो हमारा ओवरऑल सेविंग क्या है कि जितनी भी आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है उसमें से हमने कंजप्शन जितनी कर ली, ठीक है, वो निकाल देंगे और उसमें से और बाकी जितने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट की परचेजेस जितनी है वो भी निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो हमारे पास सेविंग्स का रह जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है अगर हम कहें कि हमारा आउटपुट भी कॉन्स्टेंट रही और कंजप्शन भी कॉन्स्टेंट रही, हम इन दो पॉइंट्स को अगर कॉन्स्टेंट कर लें, ठीक है, तो हम कहें कि अगर गवर्नमेंट परचेजेस ज्यादा होती हैं तो उससे क्या होगा कि नेशनल सेविंग्स जो है डिक्रीज कर जाएंगी, क्योंकि जब भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं तो सेविंग्स डिक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, सो जब भी गवर्नमेंट परचेजेस ज्यादा होंगी तो ओवरऑल नेशनल सेविंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा कि नेशनल सेविंग्स डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम इनकम और ओवरऑल कंजप्शन को कॉन्स्टेंट रखेंगे। ओके, लास्ट इंपैक्ट होता है जी, लास्ट डिटरमिनेंट है टैक्स। ठीक है, टैक्सेस का बेसिकली दो इंपैक्ट्स आते हैं। ठीक है, जब भी इकॉनमी में टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो उसके दो इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब पहला इफेक्ट क्या आता है कि हमने देखा कि जो नेशनल सेविंग्स थी वो क्या है कि ओवरऑल आउटपुट माइनस कंजप्शन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। जब भी टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है कि किसी भी पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है कि जो ओवरऑल आपकी इनकम होती है उसमें से आप जितने परसेंट टैक्स दे रहे होते हैं टैक्सेस को निकाल देते हैं तो बाकी जो इनकम आपकी इन हैंड फॉर द सेक ऑफ कंजप्शन बच जाती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, सो आई रिपीट कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो भी आपकी ओवरऑल इनकम है उसमें से आपने टैक्सेस को डिलीट कर दिया, आप क्योंकि हर चीज के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, आपने टैक्सेस को डिलीट कर दिया, टैक्स निकाल दिए, टैक्स निकालने के बाद जितनी आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बच जाती है फॉर कंजप्शन पर्पस, ठीक है, तो उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब टैक्स इंक्रीज हुए, टैक्सेस अब आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, पहले 100 आपकी इनकम थी, 100 रुपए इनकम थी, आप उसमें से 10 टैक्स दे रहे थे, 10 रुपीज जो है वो टैक्सेस निकल रहे थे, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आपके पास 90 रुपीज रह रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि आपकी इनकम तो 100 रुपीज ही है, ठीक है, लेकिन टैक्स जो है वो 10 से 15 हो गए, 10 से 15 अगर टैक्सेस गए हैं तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 85 रुपीज रह गई, यानी ओवरऑल इनकम जो है हमारी वो कम हो गई। ठीक, एंड कंजप्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, तो इनकम के डिक्रीज होने से क्या होता है कि हमारी कंजप्शन डिक्रीज होती है। ठीक है, जिस तरह इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन इंक्रीज होती है, इसी तरह इनकम के डिक्रीज होने से कंजप्शन डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो आप कंजप्शन उतनी ही इंक्रीज नहीं कर लेते। ठीक है, 100% चेंज नहीं आता हमेशा। ठीक है, कुछ प्रोपोर्शन में चेंज आता है, बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं, जिसको हमने अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, सो इसी तरह सेविंग का भी होता है कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप वो सारा कुछ सेविंग में नहीं ले जाते, बल्कि कुछ पोर्शन उसका कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पोर्शन सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.6% आपने कंज्यूम कर लिया उसमें से, ठीक है, और 0.4% जो है आपने सेव कर लिया। ठीक, सो कुछ पोर्शंस में आप कंजप्शन करते हैं और कुछ पोर्शन में आप सेविंग करते हैं, ओवरऑल ना तो आप कभी कंज्यूम कर लेते हैं और ना ही कभी सेव करते हैं। ठीक, सो अच्छा अब हम पढ़ रहे थे कि जब भी हमारे टैक्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, हमारे कंजप्शन को जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। कंजप्शन डिक्रीजेस बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, कंजप्शन जो है वो डिक्रीज तो करेगी लेकिन सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं करेगी एज टू डिक्रीज इन इनकम। जितना इनकम में डिक्रीज आया उसी प्रोपोर्शन से कंजप्शन डिक्रीज नहीं होती। ठीक, अच्छा टैक्सेस का सेकेंड इम्पैक्ट क्या आता है? ठीक है, पहला तो इम्पैक्ट हमने देख लिया कि डिस्पोजेबल इनकम कम होगी टैक्स इंक्रीज होने से, और क्या हुआ उससे हमारी ओवरऑल कंजप्शन डिक्रीज कर गई। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट ये आता है कि जो रैशनल कंज्यूमर्स हैं, एक इकोनॉमिस्ट थे रिकार्डियन, ठीक है, उन्होंने एक प्रपोजिशन प्रेजेंट की थी
जिसका नाम है रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रेपोजिशन। ठीक है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रेपोजिशन जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और वो ये कहते थे, उनका ये कहना था कि जब भी आपके टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टैक्सेस डिक्रीज होते हैं, ठीक है, जब भी टैक्सेस आपके डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है कि जो रैशनल कंज्यूमर है वो अपने कंजप्शन बिहेवियर को चेंज नहीं करता या अपनी कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि जब टैक्सेस डिक्रीज होंगे, ठीक है, तो आपकी इसका मतलब है डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करगी। पहले टैक्सेस जो है वो 10 थे, तो अब टैक्सेस जो है आपके 5 रह गए, ठीक है, अब आपकी ओवरऑल इनकम आपके पास 95 आने लगी, ठीक है। सो आपकी इनकम जब बढ़गी तो आपको कंजप्शन भी बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन जो वो रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये कहती है कि जब भी आपकी टैक्सेस डिक्रीज होते हैं और इनकम इंक्रीज होती है, तो जो रैशनल कंज्यूमर्स हैं वो अपने कंजप्शन पैटर्न को चेंज नहीं करते, वो अपनी कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि वो क्यों इंक्रीज नहीं करते, उनका मोटिव क्या होता है कि अगर वो अभी कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो फ्यूचर में किसी टाइम पे तो टैक्सेस दोबारा इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो उस कंडीशन में उनकी कंजप्शन दोबारा उनको डिक्रीज करनी पड़ेगी, इसलिए वो अभी जो है फॉर द करंट टाइम पीरियड वो अपनी कंजप्शन पैटर्न को चेंज नहीं करते, बल्कि वो सेविंग को चेंज कर लेते हैं लेकिन कंजप्शन पैटर्न को चेंज नहीं करते, वो अपनी कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको फ्यूचर में सफर करना पड़ेगा जब भी दोबारा टैक्सेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि टैक्सेस ने तो इंक्रीज होना है, ठीक है, इन फ्यूचर टाइम पीरियड टैक्सेस ने इंक्रीज होना है, इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी के अंदर, सो टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि उनके कंजप्शन पैटर्न को दोबारा चेंज होना पड़ेगा, उनको दोबारा कम कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि इनकम कम हो जाएगी दोबारा। तो उस सफरनेस से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो करंट टाइम पीरियड में अपनी कंजप्शन पैटर्न को चेंज नहीं करते। आई होप आपको यहाँ तक इस टॉपिक को समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने आज के जो लेक्चर था उसमें सेविंग को पूरा कवर कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपकी कोई क्यूरीज हो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग टू द टॉपिक, रिगार्डिंग टू द लेक्चर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन की जा सके और उनको पॉइंट्स को हम क्लियर कर सकें। और अगर आप कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।